नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह का टाइम है, वही हमारा रूटीन का वर्क है, साफ़ सफाई करना। आज जो है एक जो है फूलों की क्यारी बनानी है हमारे को। कुछ तो सफाई कर दी है, कुछ सोच रहा हूँ और कर देता हूँ। तो चल तो आज वही दिखाते हैं आपको। ये थोड़ी और पौध लगाई है गोभी की, कुछ तो ये गोभी हो रही है, कुछ और पौध लगाई है गोभी की, गोभी होनी शुरू हो गई है। ये हो रहे हैं फूल, इधर भी जो है गोभी की पौध लगाई थी दोबारा, और बीच में गाजर भी डाल दी है, ये गाजर भी होती रहेगी। इधर ये थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं, अब इधर ये फूलों की लगानी है हमारे को। तो सोचा कि थोड़ा सा साफ सफाई कर लें, तो दरअसल ये घास हो रही है इधर फालतू, ये जो है हमारे को ये साफ करनी है। फिर इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो है गेंदे के लगा दूँ, गेंदे की जो है हमने पौध वो रखी है, तो गेंदे के लगाने के चक्कर में है इसमें। ये साफ हो जाएगी, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, दो चार पाँच दिन में इसमें गेंदे के लगाएंगे, इसमें खाद वगैरह डालेंगे। इधर ये एलोवेरा लगा रखा है, ये बीच बीच में ये हमने एलोवेरा लगा दिया था, तो ये भी काम आता हमारे बहुत, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज करते हैं एलोवेरा को। जगह जगह लगा के छोड़ देता हूँ मैं एलोवेरा को, बीच में से रूट निकलते हैं, तो ये है कि जब तक हमारे दूसरे जिनको हम यूज करते हैं वो ख़त्म होते हैं तब तक ये तैयार हो जाते हैं। काफ़ी सारी तो उधर मैंने सफाई कर दी है, लेकिन फिर भी जो है बहुत रहती है, काम इसका ख़त्म ही नहीं होता। अब ये निकल गया ज़रा सा, इसको लगा दूंगा इधर, ये हो जाएगा। इतना बढ़िया एलोवेरा हो रहा है ये, घास जो है ना ये सब दबा लेती है।
कुछ टमाटर की पौध बोई हुई है, कुछ टमाटर की पौध लगानी है, कुछ तो लगा दी है, कुछ और रह रही है अभी थोड़ी सी, क्यारी तैयार करनी है वो उसके लगाने के लिए। और थोड़ा सा जो पौध बोई हुई है वो भी अभी थोड़ी छोटी है, वो सही साइज की हो जाए, कम से कम 3-1 इंच की तो हो जाए, अभी थोड़ी हल्की पौध है वो। इतनी हो जाती है कि घास को भी काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो ये घास मारने की दवा आती है, छोटी पत्ती की, बड़ी पत्ती की आती है, पर हम तो उनको किसी को यूज करते नहीं। कई बार लोग कहते हैं अंकल जी किसी आदमी को लगा लो, अरे किसी आदमी को लगाएंगे तो फिर हमारा टाइम कैसे पास होगा। और फिर ये मेरा शौक है, ये नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ उसको, मेरा शौक है ये करने का, मुझे अच्छा लगता है। जैसे फूल वगैरह देने लगे कितना बढ़िया लगेगा, और अपना खुद काम करके जो है बड़े जो तसल्ली होती है वो दूसरे से कराने को नहीं होती। यार ये बाद में करूँगा क्योंकि ये इधर जो है ये गेंदे के मैंने जो है बीज डाले हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये गेंदे के बीज डाले हुए हैं मैंने, देखो ये गेंदे के बीज डाले हुए हैं ये इधर, तो इसलिए अभी मैं इधर नहीं करता, दूसरी साइड में भी डाले हुए हैं। अभी पीछे हमने जो है वो दिखाया था गमले में धनिया होता हुआ, ये देखो धनिया कितना बढ़िया हो गया है, बड़ी मुश्किल से धनिया हुआ है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरी क्यारी में धनिया बोया मैंने, ये सारा ये धनिया है, ये गर्मी भी लगने लगी है, अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसी उम्मीद के साथ
आप लोग सब खैरियत से हों, तंदुरुस्त रहो। नमस्कार।